और इस बीच धीरेंद्र शास्त्री का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा कि सनातन का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है, मुझे कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। धीरेंद्र शास्त्री का बयान, क्लीन चिट मिलने से सत्य की जीत हुई है। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। विपिन, एक तरफ नागपुर के पुलिस ने क्लीन चिट दिया है, वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने भी कहा है कि ये दरअसल सत्य की जीत हुई है। और क्या कहा है उन्होंने ये खबर पहुंचने के बाद दरबार में? आपको क्लीन चिट मिल गई है, नागपुर पुलिस ने कहा है, नागपुर पुलिस ने कहा है कि अंधविश्वास के जो आरोप थे वो नहीं पाए गए हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे तो हम कब से चिल्ला रहे हैं, हनुमान चालीसा का प्रचार करना और बागेश्वर धाम का प्रचार करना या सनातन का प्रचार करना, ऋषि परंपरा की दिव्य शक्तियों के बारे में लोगों को बताना अगर अंधविश्वास है तो पूरे भारत के व्यक्ति हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए था। तो हमें कानून पर भरोसा, संविधान पर भरोसा था और उसी के कारण आज सत्य की जीत हुई। और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर महोदय ने आज जो है क्लीन चिट दे दी कि किसी भी प्रकार की FIR नहीं बनी। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन सत्य की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है, यानी कि अब तक जो कहा है, अब तक जो किया है, उस स्टैंड पे कायम है धीरेंद्र शास्त्री। बिल्कुल, और डंके की चोट पर कायम है। मैं इस वक्त उसी दिव्य दरबार में मौजूद हूं जहां पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार चल रहा है। और दिखाइए जरा, और यहां जैसे हमने उनसे पूछा कि भाई अंधविश्वास को लेकर जो आरोप लगे थे, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें पुलिस ने आपको क्लीन चिट दे दी है। महाराज जी ने साफ किया कि ये सत्य की जीत है, हमने हनुमान चालीसा पढ़ा था, हनुमान चालीसा पढ़ना अगर अपराध है तो जितने हनुमान भक्त हैं वो सब अपराधी हैं, उनको जेल में डाल दीजिए, ये सत्य की जीत हुई है। और इसी के साथ ये जाहिर होता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता सही है, पुलिस की क्लीन चिट मिल गई है और संविधान के मुताबिक हम काम करते हैं और संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान चालीसा पढ़ें और वो हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप देखिए दरबार चल रहा है, दरबार में सैकड़ों लोग इस वक्त यहाँ से आ रहे हैं, सब लोग सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबकी समस्या का निराकरण अपने अंदाज में जैसे वो करते हैं वैसे इस वक्त भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।